नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बिहार कांस्टेबल की 21,000 पदों पे जो वैकेंसी अभी अभी जो आपका एग्जाम हुआ था 1 तारीख को और कुछ पालियों में एग्जाम होना बाकी था, बिहार सरकार के द्वारा, बिहार भर्ती बोर्ड के द्वारा ये रद्द कर दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे मामले आप लोगों ने देखा था कि जो पर्चा लीक का, जो पेपर लीक का आया था, उसके दृष्टिगत इस वैकेंसी को रद्द कर दी गई है और नई एग्जाम डेट इन्होंने जल्दी ही सूचित करने की बात की है। क्या है संपूर्ण डिटेल वो मैं आपको बताता हूँ। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के पद पर जो 1/10/2023 को रविवार को परीक्षा हुई थी, तमाम जगहों पे क्या हुआ था, यहाँ पे पेपर लीक का मामला आया था। शायद आप इससे परे नहीं होंगे, आपको ये जानकारी होगी कि बहुत सारे बच्चे उसमें एक पेपर में उसके आंसर लिख के जो बोल सकते हो सेंटर पे सीधा चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एवं चीट पुर्जों के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं, जिसके दृष्टिगत ये 1 तारीख का तो इन्होंने कैंसिल किया ही किया है, साथ में ही जो 7 तारीख को अभी होने वाला था शनिवार को और 15 तारीख को जो होने वाला था, 3 दिन में इन्होंने कुल 6 पालियों में परीक्षा करवानी थी इन्हें, तो अभी 1 तारीख वाला तो कैंसिल कर दिया, साथ में ही 7 और 15 वाला भी स्थगित कर दिया। कहने का मतलब ये कि तीनों का तीनों ही जो आपका एग्जाम डेट है वो बोल सकते हो कि पूरा का पूरा एग्जाम रद्द कर दिया गया है। अब नए सिरे से आपका क्या होगा, पेपर होगा और इसके लिए एक नई डेट दी जाएगी। जिन्होंने लिखा है कि सभी पालियों में प्रथम से षष्ठम पाली तक की लिखित परीक्षाओं की नई तिथि एवं समय के संबंध में अलग से सूचना परिषद की वेबसाइट पे जो www.csbc.bih.nic.in एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। तो ये अभी आप देख सकते हो कि बिहार में एक बच्चा है, जो बच्चा तैयारी करता है महीनों से इस दृष्टि से कि भाई तैयारी कर लेगा, पेपर होगा, उसे नौकरी मिलेगी, और कहीं ना कहीं कुछ अराजक तत्वों के द्वारा या फिर बोल सकते हो कहीं ना कहीं परीक्षा में लापरवाही के चलते ये बच्चों को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। कब तक बच्चे यही करें? पहली बात तो 6 साल 7 साल में वैकेंसी आती है, उसके बाद वैकेंसी आती है तो आप उन्हें पर्याप्त समय नहीं देते हो तैयारी करने का, और अगर वो किसी तरह अपनी तैयारी कर लेते हैं तो पेपर आउट हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, ये सारी चीजें आखिर कब तक चलेगा। हालांकि हमें थोड़ा सा संयम यहाँ पे दिखाने की जरूरत है। अभी एक वैकेंसी तो आपकी ये 21,000 की, दूसरी आपकी अगले साल जनवरी में फिर से आने वाली कांस्टेबल की 24,000, तो कुल मिला के जो बच्चे इसमें आवेदन कर लिए थे वो तो है ही है, दोबारा से जो 24,000 वैकेंसी आएगी उसमें भी जो बच्चे आवेदन करेंगे, लगभग 50,000 बच्चे जो कम से कम पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए एक यहां पे फिर से थोड़ा सा समय मिल गया है। अब आप एक नए सिरे से बिना अपने दिमाग को इधर उधर भटकाने की बजाय आप अपनी ऊर्जा दोबारा तैयारी में लगा दीजिए ताकि इस बार आपको पर्याप्त समय मिल पाए। हो सकता था पिछली बार बहुत सारे बच्चों को समय के अभाव से शायद पेपर अच्छा नहीं हो पाया था, तो आप ऐसा भी मान सकते हो कि आपके लिए एक सेकंड अपॉर्चुनिटी है। जिस भी कारण से वो, हम उस कारण पे ज्यादा नहीं जाएंगे, बट मैं इस पे फोकस करूंगा कि आप लोग तैयारी कर लो। बिहार सरकार लगातार बहुत सारी वैकेंसीज दे रही है, बीएसएससी इंटरमीडिएट की भी आई है, बिहार दरोगा की भी आई है, बिहार कांस्टेबल की ये वाली तो होगी ही, बिहार कांस्टेबल की नई भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, एएनएम की भर्ती फिर से आ गई है। तो अगर देखा जाए तो लगातार लाखों पद यहाँ पे बिहार की तरफ से इस समय चल रहे हैं, अभ्यर्थी उसके लगातार तैयारी कर रहे हैं और टीम परीक्षा प्लस आपको इसके लिए बहुत बेहतरीन प्रोग्राम भी लेके आ रही है। बिहार के लिए एक सिंगल बैच लेके आ रही है, सिंगल बैच मतलब कि एक ही फीस में आपके तमाम, चाहे आप बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हो, तीनों ही एग्जाम के लिए आपका एक बहुत न्यूनतम शुल्क 499 रुपए में प्लस जीएसटी जो भी होगा इसमें आपकी तैयारी टीम परीक्षा प्लस करवा रही है। तो आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड अवश्य कर लीजिए ताकि आपको सारी जो जानकारी इस बैच के संबंधित वो आपको मिल जाए। हालांकि अलग से मैं एक जानकारी आपको लेके आऊंगा कि बैचेज आपके कैसे चलेंगे, तो अपनी तैयारी में एक बार जो दूसरा मौका मिला है इसे हाथ से मत जाने दीजिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। बहुत ही न्यूनतम फीस में टीम परीक्षा प्लस बहुत विधिवत आपकी तैयारी करा रहा है और उम्मीद है कि इस बार आपका एक ना एक पद आपका होगा ही अवश्य। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।